हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमने सामान ले लिया है, जो कि हम बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे आपको। तो देखिए, हमने 400 ग्राम कीमा ले लिया है। बिल्कुल रूखा कीमा है ये, एकदम बिल्कुल चिकना नहीं होना चाहिए, एकदम रूखा है। इसको हमने मशीन से निकलवा के मंगवाया था, फिर एक बार हमने मिक्सी में चला दिया है। तो चलिए हम इसमें सामान मिलाते हैं कबाबों के लिए। सबसे पहले हमने हरी मिर्च और प्याज को महीन महीन चॉप कर लिया, और हरा धनिया। तो हम हरी मिर्च और प्याज को इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। चलिए थोड़ा सा नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, छोटा चम्मच। और एक छोटा चम्मच हम लाल मिर्च का डालेंगे। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम भुना हुआ बेसन डालेंगे। तो चलिए भुना हुआ बेसन डालते हैं। तो चलिए भुना हुआ बेसन डाल देते हैं इसमें, 2 बड़े चम्मच। अब हम इसमें ये मसाला डालेंगे, लज़्ज़त-ए-नाम। इसको आप नहारी में भी डाल सकते हैं, कबाबों में भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ लखनऊ में ये मिलता है। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता तो आप कबाबों का अपना इस मसाला जो आता है वो भी डाल सकते हैं। इसको हम डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। पूरा पैकेट डाल देंगे, मतलब इसमें 1 चम्मच होता है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें बेसन डालने के बाद 1 नींबू निचोड़ के डाल देंगे। अगर पुदीना आपके पास है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। हमको मिला नहीं तो हमने नहीं डाला, हरा धनिया डाल दिया सिर्फ। अब इसको हमने हाथ वॉश कर लिया अच्छी तरह से। इसको हम हाथ से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, मसल मसल के। आप नमक मिर्च को चेक करके अगर कम हो तो और भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। खूब अच्छी तरह से इसको मसल मसल के मिक्स करना है। इसमें हमने 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर भी मिलाया था। चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। तो देखिए, हमने कोफ्ते के लिए कीमा तैयार कर लिया है, सब कुछ मिक्स कर दिया है इसमें। अब हमने अंडे ले लिए हैं। तो चलिए हम कबाब बनाते हैं। तो चलिए हम कोफ्ते बना लेते हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा कीमे का पोर्शन ले लिया है। अब इसको हाथ पे रख कर एकदम फ्लैट कर लेंगे। अब इसमें अंडा रख देंगे। अंडा रख के इसको फिल कर देंगे, एकदम इसको कवर कर देंगे अंडे को खीमे में। पूरा ढक देना अच्छी तरह से। इसके लिए कीमा एकदम बिल्कुल रूखा होना चाहिए और एकदम महीन मशीन का, चिकना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूट जाएंगे, कीमा निकल जाएगा। पानी लगा ला के हाथ में इसको एकदम चिकना कर देना है।
देखिए एक कोफ्ता हमारा रेडी हो गया। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। चलिए दूसरा बनाते हैं। इसको भी फ्लैट कर देंगे बिल्कुल, जैसे चपली कबाब बनाते हैं। अंडे को इसमें रख के पूरा कवर कर देंगे क्रीमे में। देखिए दूसरा भी बन गया है मेरा कोफ्ता। चलिए सारे हम ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं कोफ्ते। तो देखिए सारे हमारे कोफ्ते हम तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए पैन चढ़ा देते हैं और उसमें ऑयल डाल देते हैं। तो देखिए हमने पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें कोफ्ते फ्राई करने हैं। अब हम तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर कोफ्तों को तलना है ताकि अच्छी तरह से क्रीमा पक जाए। अब इसको एक साइड से सुनहरा कर लेंगे, फिर इसको दूसरे साइड से पकाएंगे। हर तरफ से इसको सुनहरा कर लेना है। तो देखिए हमने सारे कोफ्ते फ्राई करके निकाल लिए। तो चलिए अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। दो बड़ी प्याज हमने काट करके रख लिए, इसको हम फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। फिर कंटिन्यू चलाते रहेंगे इसको ताकि जले ना, सारी प्याज एक जैसी ब्राउन हो। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सारा ऑयल इसका निचोड़ देंगे। तो देखिए हमने प्याज को निकाल लिया, ब्राउन हो गई है। देखिए हमने प्याज को फ्राई किया था तो तेल को हमने कम कर दिया है। अब हम इसमें दो तेज पत्ते बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए दो तेज पत्ते हम डाल देंगे इसमें, दो छोटी इलायची
एक बड़ी इलायची, दो तीन लौंगे डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इसको ताकि तेल में इसका फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। भून लेंगे इसको अच्छी तरह से ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। बहुत तेज छीटे आने लगती है अदरक लहसुन डालते ही, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है टेस्ट तो ठंडा हो जाता है। इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। चलिए भून लिया अच्छी तरह से। हम इसमें हमने 2-3 बड़े टमाटर पीस के रख लिए थे, इसको इसी में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, एक छोटा चम्मच मिर्च पाउडर हम डाल देंगे इसमें। कोफ्तों में भी डाला उस हिसाब से आप डालिएगा जैसा आपको पसंद है मिर्च खाना, तीखा खाना। हल्दी एक छोटा चम्मच डाल देंगे, बहुत ज़रा सी डलेगी कलर के लिए। धनिया पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब ये सब मिक्स कर देंगे, इसको भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि सारे मसाले टमाटर सब भून जाए अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि मसाले अच्छी तरह से भुने। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे जिससे कि कलर बहुत अच्छा आ जाएगा सालन का। कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए डाला हमने, इसे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चलिए मसाले को हम भुनने देते हैं। उतनी देर में हम जो हमने प्याज को ब्राउन किया होता उसको और काजू को मिला के पेस्ट बना लेते हैं इसका। ये देखिए हमारी तली हुई प्याज जो हमने फ्राई की थी वो, और हमने काजू ले लिए हैं, इसको दोनों को मिक्सी में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं दोनों चीज़ें। देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे।
दही डाल के हम इसको फिर से भूनेंगे अच्छी तरह से। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो चलिए नमक डालते हैं इसमें। नमक कोफ्तों में भी डाला हुआ है, उस हिसाब से आप डालिए। हमने एक छोटे चम्मच डाल दिया, अभी फिर चटके कम होगा तो हम और डाल देंगे। दही डाल के खूब अच्छी तरह से भून लेना, ताकि दही का सारा पानी सूख जाए और अच्छी तरह से दही भी भून जाए मसालों के साथ। तो चलिए अब हम कोफ्ते काट लेते हैं। इसको आप चाहें तो पूरा पूरा भी रख सकते हैं, ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको पीसेस में काटेंगे क्योंकि बड़े साइज में होते हैं, पीस में काटने सही रहते हैं। तो चलिए काट लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे कोफ्ते कट कर लिए हैं और हमारा मसाला भी भुन गया है अच्छी तरह से, जिसे अच्छी सी स्मेल आने लगी है मसाले भुनने की। हमने मसाला 10 मिनट तक भुना है अच्छी तरह से। मेरा नमक भी परफेक्ट है बिल्कुल। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे, जितना पानी डालना है अब उतना पानी डाल दें इसमें। चलिए हम मसाले में ग्रेवी डाल देते हैं, सालन डाल देंगे। आपको जितना भी गाढ़ा या पतला रखना हो सालन, उतना आप रख सकते हैं। हमने एक गिलास पानी डाला, अभी हम और डालेंगे क्योंकि ये भी गाढ़ा है। हमने 2 गिलास पानी डाल दिया इसमें। अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और घर का पिसा हुआ हमने गरम मसाला ले लिया है, इसको डाल देंगे। अब मिक्स करके इसका बॉयल आने देंगे हम। तो देखिए कोफ्ते हमने सारे इसमें डाल दिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। हमारे मजेदार से नरगिसी कोफ्ते तैयार है। चलिए हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। इसको कोफ्ते डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस 1-2 मिनट पकाना है और फ्लेम को बंद कर देना है। चलिए फ्लेम बंद कर देते हैं, अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते यमी से तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं, हमने थोड़ा पतला ही रखा हुआ है क्योंकि बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। चलिए हम पूरा निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे नरगिसी कोफ्ते गर्मा गर्म तैयार हो चुके हैं, बहुत ही यमी है। आप भी बनाइए इस तरह से, बन जाएंगे जरूर। और आपको अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल तो प्लीज़ कर दें। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। कमेंट भी करिएगा कमेंट बॉक्स में
कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।